एंट्री सेगमेंट की अगर बात आती है तब नाम किसका आता है यार? पहले के पहले मारुति सुजुकी में जाते हो जहाँ पे आल्टो वगैरह जहाँ पे देखते हो, लेकिन सामने अगर जो मैं प्रोडक्ट अगर बता दूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया लोगों, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो चेंज करके मैट फिनिशिंग में, सिल्वर फिनिशिंग में आप देख सकते हो। सामने मेरे देख रहे हो न्योस, यहाँ पे ग्रैंड आइटेन 1.2 जो है वो 1.2 यूनिट काफा यूनिट आप देख रहे हो, पूरे की पूरी चेरी रेड कलर में यहाँ पे अवेलेबल है। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और सामने ज़्यादा से ज़्यादा क्रोम फिनिशिंग नहीं, अगर पूरा पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आगे जैसे के जैसे i20 है वैसे के वैसे आपको जो है वो यूनिट में डाल दिया गया है। जो टाइगर नोज ग्रिल जहाँ पे आती है वहाँ पे फिटमेंट कर दी है पूरे के पूरे जो है पियानो ब्लैक फिनिशिंग में, और सिंगल जो है वो मैट जो है वो मैट ग्रे कलर में आपको ह्यूंडई ने पूरा का पूरा लोगो यहाँ पे चेंज कर दिया है। ग्रैंड आइटन यहाँ पे न्यूज देख रहे हो 81 BHP छोड़ती है और 118 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेटर करती है 4500 RPM के अंदर। डोर की अगर फिलहाल मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे थर्ड आप सुन सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है। ग्रैब हैंडल कोई भी क्रोम फिनिशिंग में नहीं आते, यहाँ पे आप पूरी की पूरी स्ट्राइप देख सकते हो, डी क्रोमिंग वगैरह नहीं आती है, क्योंकि बेस मॉडल की अगर बात करते हो तो बेस मॉडल के ऊपर का मॉडल आप स्पोर्ट्स वेरियंट यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो पीछे अगर बात आती है तो यहाँ पे देखो जो स्टिकर लगाया गया है CNG फिटेड के साथ यहाँ पे वेरिएंट आता है, यानी कि मारुति सुजुकी एक ऐसा प्रोडक्ट हुआ करता था यहाँ पे ऑल्टो ले लो या फिर कोई भी ऐसी गाड़ी ले लो कि जो आपको CNG फिटेड 1.2 लीटर इंजन आता था, लेकिन आप यहाँ पे ह्यूंडई ने भी यहाँ पे मार्केट में बाजी मार दी, i10 जो है वो ग्रैंड i10 ब्रांड न्यू CNG फिटिंग के साथ आपको यहाँ पे कंपनी फिटेड यहाँ पे मिल जाती है। ग्रैंड i10 की बेजिंग देख सकते हो, और यहाँ ये यूनिट देख रहे हो ना वो पूरा ब्रांड न्यू यूनिट है, क्योंकि ह्यूंडई ने जो लोगो है वो चेंज करके यहाँ पे मैट जो है वो मैट सिल्वर ग्रे फिनिशिंग कर दी है, जो पहले जो हुआ करता था क्रोम फिनिशिंग के साथ वैसे नहीं है, थोड़ा सा मैट जो है वो मैट फिनिशिंग डाल दी गई है। और ऐसे पैटर्न के साथ आप ये पूरा ब्रांड न्यू पन्नी पैक प्रोडक्ट आप देख रहे हो, और ऐसे आया करेगा आज से जो है वो ह्यूंडई का लोगो पूरा का पूरा चेंज होता हुआ यूनिट आप देख सकते हो। नियोस की बड़ी बड़ी बेजिंग देख सकते हो, और ब्लू स्ट्राइप में यहाँ पे आए दिखाई पड़ता है, स्पोर्ट्स वेरिएंट यहाँ पे देख रहे हो। और जो आफ्टर मार्केट करती थी कंपनियाँ वो यहाँ पे पूरी की पूरी जो है वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए कोशिश कर रही है कंपनियां, क्योंकि पीछे आप देख सकते हो पूरी की पूरी ब्रेक स्टॉप लाइट जो है वो LED जो लाइट्स के साथ LED डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ यहाँ पे मिलती है। पीछे अगर बात करते हो तो स्टॉप लाइट यहाँ पे जो है वो थोड़े के थोड़े जो है वो ना XEV 7W जैसे सिमिलर यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलते हैं, और पूरी की पूरी स्ट्राइप जो है LED पैटर्न के साथ आती है। पीछे अगर बात करते हो तो थोड़ा रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है एक, और ब्रेकिंग स्टॉप लाइट आपको हैलोजन बल्ब में मिलती है, और छोटी सी आपको स्ट्राइप मिल जाती है यहाँ पे विजिबिलिटी के लिए। और अच्छी खासी जब वैल्यू फॉर जब बात आती है वैल्यू पर प्रोडक्ट की, तो 1.2 लीटर जो है वो इंजन यहाँ पे आप ग्रैंड आई10 आता है, और यहाँ पे स्मॉल हैचबैक में ये गाड़ी आपको मिलती है। ORVM की बात करते हो तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ORVM मिलते हैं, और वही का जो ग्रैंड आई10 पुरानी हुआ करती थी वैसा का वैसे यूनिट डाल दिया गया है। और फेंडर में इंडिकेटर नहीं, अच्छी बात है वो ORVM में इंडिकेटर यहाँ पे जो है वो ह्यूंडई ने कर दी। पहले वाली जो ग्रैंड आई10 से कंपेयर करते हो तो आगे वाला अगर यूनिट बोलते हो तो सिमिलर आपको विड्थ सिमिलर आपको जो है वो लेंथ आपको मिलती है, लेकिन आगे और पीछे बात करते हो तो जो पहले टाटा का जो प्रोडक्ट आया करता था जो टिगोर और टियागो वो ऐसे के वैसे थोड़ा बहुत आपको टेल लाइट आपको देखने को मिलती है, लेकिन पीछे अगर बात करते हो तो यहाँ पे जो लाइट डाल के पूरी की पूरी जो है वो प्राइस मार्केटिंग चेंज ही कर दी। यहाँ पे देख सकते हो जो टायर प्रोफाइल है वो वही सिमिलर टायर प्रोफाइल वो MRF के आते हैं, यानी कि 195 जो आपको i20 में मिलते थे यहाँ पे थोड़े से 3-4 इंच के नीचे आपको लेंथ मिल जाती है, 175 mm 60R15 के मिल जाती है, यानी कि 14 इंच आपको जो है वो विड्थ में आपको मिल जाते थे i20 में, यहाँ पे 15 इंच आपको विड्थ मिलती है, और थोड़े से जो है वो लेंथ में आपको कम मिल जाते हैं, 175 इंच आपको कर दिए गए, क्योंकि ये एंट्री लेवल की जो है वो हैचबैक आप देख रहे हो। अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ पे ग्रैंड आई10 बड़ा बड़ा सा लोगो दिखाई पड़ता है, और पुराने वाले से अगर कंपेयर करते हो ना तो आगे आपको थोड़े बहुत सर्टन चेंजेस दिखेंगे। यहाँ पे रूफ रेलिंग के साथ एक शार्पेंड एंटीना आप देख सकते हो, और ब्लैक कलर में आता है, कलर्ड में आता तो अच्छी होती लेकिन ब्लैक कर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं साइड प्रोपोर्शनल की तरफ आऊँ तो यूनिट पूरा आगे और पीछे चेंज कर दिया, हेडलाइट की तरफ देखते हो तो हेडलाइट चेंज कर दिया और टेल लाइट भी चेंज कर दिए, और ऐसे मॉडर्न लुक के साथ और पूरा का पूरा लोगो चेंज करके ये नया डाल दिया कंपनी, और ऐसे लुक के साथ अभी जो है वो ग्रैंड आई10 यहाँ पे बुकिंग में है, अवेलेबल है। तो अंदर लेके चलता हूँ कैसी है ग्रैंड आई10। यहाँ पे मैनुअल से कुछ यहाँ पे कंट्रोल्स आते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं आता यहाँ पे, ऑटोमेटिक जो है वो कोई रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलता, मैनुअली जो आपको फिजिकली की लगानी पड़ती है। अंदर देखो लो ग्रे कलर में पूरी की पूरी सीट मिल रही है। फिलहाल तो मैं पीछे कर देता हूँ, यहाँ पे पीछे कर दी, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या कर दी गाड़ी के जो है
वो सिमिलर i20 का यूनिट है, वो ऐसे कि वैसे डाल दिया गया, बीच में कोई लाइट नहीं आती। यहाँ पे जो है वो ORVM आप देख सकते हो, IRVM मैनुअली आते हैं, कोई भी ऑटोमेटिक नहीं आते। दरवाज़ा मैं फिलहाल तो यहाँ पे खोल लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ दरवाज़ा, और ग्रे कलर, थोड़ा सा बेज कलर तो नहीं कहूँगा, बर्फी कलर जो बोलते हो, ब्लैक और बर्फी कलर में यहाँ पे गाड़ी मिलती है। राउंडेड शेप के थोड़े से आपको एसी जो है वो एसी के विंड्स मिल जाते हैं। क्रोम यहाँ पे है, वो क्रोम स्ट्राइप सिल्वर ग्रे आपको पैटर्न के साथ थोड़ी सी मिल जाती है। और यहाँ पे जो है पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ ऐसे कर्विश डिज़ाइन के साथ आते हैं यार, मतलब जो यार स्पोर्टिश गाड़ी के दिलाते हैं। ह्यूंडई के यहाँ पे लोगो आप देख सकते हो मैट फिनिशिंग में आता है, पूरे के पूरे कंट्रोल्स यहाँ पे है, जैसे कि जैसे i20 में है, फिलहाल यहाँ पे i20 बाहर गड़ी है, वैसे के वैसे वही यूनिट उठा के अंदर डाल दिया गया। यहाँ पे अगेन पियानो ब्लैक फिनिशिंग में जोर है, यानी कि i20 में यहाँ पे मैट ब्लैक आया करता था, यहाँ पे पियानो ब्लैक डाल दिया है, मतलब उस टाइम में उस i20 में, यानी कि जो नहीं आई है i20 उसमें अगर मैट फिनिशिंग डाल दिया, लेकिन पियानो ब्लैक डाल दिया तो अच्छी बात बन जाती, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही कर दिया, मतलब इसके पीछे नीचे वाली गाड़ी को जो है ह्यूंडई वालों ने पूरा का पूरा पैटर्न चेंज करके यहाँ पे पियानो ब्लैक डाल दिया। बीच में अगर बात करते हो तो हज़ार लाइट्स की वार्निंग यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल्स यहाँ पे जो है वो बटन्स के यहाँ पे आते हैं, पूरे के पूरे यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी के यूनिट्स है। गियर शिफ्टिंग मक्खन है यार, स्मूथ है, फिफ्थ गियर मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.2 लीटर इंजन आप देख रहे हो, 81 BHP छोड़ता है, 118 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है 6000 RPM के अंदर, 25 किलोमीटर यहाँ पे चल चुकी है। जो है वो TFT थोड़ा सा टाइप देने की टच कोशिश किया, थोड़ा सा हाफ एनालॉग और हाफ डिजिटल आपको यूनिट मिलता है। यहाँ पे जो है वो हेडलाइट ऑटोमेटिकली जलते हैं। यहाँ पे जो यूनिट है ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है यार, क्या बुराई है गाड़ी में, देखो ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है आपको, जो है वो पेट्रोल टू CNG आपको कन्वर्ट करने का यहाँ पे बटन दे दिया गया। हेडलाइट लेवलर यहाँ पे, थोड़े से डिफॉगर यहाँ पे दे दिया गया। थर्ड की अगर बात करते हो तो मारुति सुजुकी के अल्टो या फिर सेलेरियो से कंपेयर करते हो तो अच्छी खासी आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, बर्फी कलर और ब्लैक कलर में आपको मिल जाती है। सिल्वर की फिनिशिंग यहाँ पे दिखाई पड़ती है। जो i20 में यूनिट है लॉक अनलॉक बटन के साथ साथ, वो आपको इसमें डाल दिए गए, यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ लगाया है दिमाग। यहाँ पे आपको स्टोरेज कुछ रखने के लिए, पुराने वाले के कंपेयर करते हो तो यहाँ पे कुछ स्टोरेज नहीं मिलता था, यहाँ पे पूरा अच्छा कर दिया, स्टोरेज डाल दिया है। 1000 लाइट की वार्निंग है। यहाँ पे जो है बटन से यहाँ पे 0 to 4 यहाँ पे लेवल मिलता है, और यहाँ पे आगे वाला जो डिफॉगर का बटन यहाँ पे ही प्लेस कर दिया है। थोड़ा सा पियानो ब्लैक फिनिशिंग कर दे तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे देख लो सिर्फ ऐसा ओनली मेरा हाथ पुश हो रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट हो रहा है, इतनी अच्छी। यहाँ पे 3D बेजिंग आप देख सकते हो क्रोम फिनिशिंग के साथ, आपको इतनी स्मूथ मक्खन गियर शिफ्टिंग मिलती है। और 4 सिलेंडर सेटअप किसको नहीं चाहिए यार इस प्राइस सेगमेंट में, 780 के अंदर आपको यहाँ पे गाड़ी मिल जाती है। ऐसी कुछ पीछे लेके चलता हो, यहाँ पे डिफॉगर के साथ ये आपको यूनिट CNG फिटेड आपको दिखाई पड़ता है। पीछे अगर बात कर दूँ तो 6 फिट वाला बंदा तो ठीक ठाक बैठ सकता है, लेकिन थाई सपोर्ट थोड़ा बहुत अच्छा सुधार देते तो अच्छा होता, लेकिन जो पहले i20 में जो नी रूम और पीछे बैठने के लिए झुकने के लिए जो इतना स्पेस नहीं मिलता था, उससे इस गाड़ी में अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। और अगर CNG की अगर कैपेसिटी की अगर बात करते हो तो यहाँ पे एक पार्सल ट्रे के साथ मिलता है, लेकिन i20 में जैसा पार्सल ट्रे आपको देखने को मिलता है अगेन वैसे नहीं मिल जाता इतना अच्छा आपको, बिल्कुल ठीक ठाक है डे टू डे आपको यूज़ करने के लिए, यहाँ पे अच्छी है। पीछे अगर बात करते हो CNG के टैंक के साथ यहाँ पे वार्निंग लिखा है, 60 किलो का टंकी मिल जाती है आपको, और हैंडल यहाँ पे जो है वो वेल्ड वगैरह करके परफेक्ट कंपनी ने लगा दी है, फिटिंग कर दी है। पीछे अगर बात करते हो तो नियोस यहाँ पे नंबर प्लेट में लिखा है जो कंपनी लिखती है, रिफ्लेक्टर के साथ आती है, और यहाँ पे डिफॉगर पीछे दे दिया, और पूरे के पूरे जो कंपनी आया बेस वेरिएंट में भी पीछे डिफॉगर देने लगी है, सेफ्टी मैंडेटरी है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग जगह जगह आप देख सकते हो, नियोस जो है वो ग्रैंड आईटी नियोस सभी जगह दिखाई पड़ता है, और 1 किलो में यानी कि 30-35 किलोमीटर के ऊपर चली जाती है, इतनी अच्छी माइलेज दे पाती है। हुंडई के कापा यूनिट के साथ आप यहाँ पे वेरिएंट देख रहे हो, मैट ब्लैक थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो क्रोम, पहले जो क्रोम फिनिशिंग थी वो चेंज करके यहाँ पे उन्होंने लोगो चेंज कर दिया, थोड़ा लोगो तो वही है लेकिन जो है सिल्वर ग्रे फिनिशिंग कर दी, और सिल्वर फिनिशिंग में आपको मैट ब्लैक में यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। फिलहाल मैं यहाँ पे आया था ह्यूंडई के शोरूम में, यहाँ पे ग्रैंड आईटेन नियोस है, कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। 1.2 लीटर यूनिट यहाँ पे खड़ा है इस वक्त। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।